नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपके सामने ये जो हॉट प्लेट है, इसमें हम कॉर्ड बार बार जलती है, उसके बाद उसका कॉइल रिप्लेस करवाना है। तो ये दोनों काम आपको हम सामने करके बताएंगे। और दोस्तों इसका स्विच भी ख़राब है, अभी इसका देखो, ये कॉइल नया रिप्लेस करवा रहे हैं, ये देख लीजिए स्विच ख़राब है इसका, इसको चेक करेंगे हम। देख लीजिए जो दोनों एसी टर्मिनल जाती है कॉइल तक, तो सीरीज नहीं बन पा रही है। अब देख लीजिए दोस्तों, ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड को बार बार जलने का प्रॉब्लम आता है। तो हम इसका कॉर्ड का भी, ये देख लो स्विच दोस्तों, अभी ये स्विच की वायरिंग बनाएंगे। दोस्तों ये स्विच में जो है ना स्लीव लगाना ज़रूरी होता है, हर सिंगल सिंगल टर्मिनल पर स्लीव लगाइए, बाद में एक बड़ा स्लीव लगाइए, ताकि जो गर्म हीट महसूस होती है वो अपने कनेक्शन तक कम होती है। अब देख लीजिए, हमें ये स्विच भी नया लिया है, अभी इस स्विच के जो दो टर्मिनल हैं वो एसी के लिए है, देख लीजिए, और उसके आगे कॉइल के लिए जाती है। तो दोस्तों इसके कॉइल के जो वायर अपन कनेक्ट करते हैं तो उसका सावधानी बरतना, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा कनेक्शन इधर से उधर होगा तो कॉइल पूरा नहीं जल पाता। अभी हमने ये एसी वाला ज्वाइंट कर लिया है, रेड और ब्लैक एसी है, और ये जो ब्लू वाला हमने छेड़ा छोड़ा है ये वो ग्राउंड होता है, मतलब इसे बॉडी ग्राउंड करते हैं ब्लू वाले सिरे से। अभी दोस्तों इसके कॉइल कनेक्ट करने के लिए हमने कॉपर का जो तार आता है उसका इस्तेमाल किया है। इस कॉपर वाले तार में हम स्लीव लगाएंगे और वो कॉइल से कनेक्ट करेंगे, ताकि ये आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो पाए या बॉडी से टच ना हो, इसके लिए हम इसे स्लीव लगवाएंगे। देख लीजिए दोस्तों, अभी हम ये स्विच पैक करवा लेते हैं। बहुत से इंडक्शन में दोस्तों इस टाइप की प्रॉब्लम आती है कि इसकी कॉर्ड बार बार जलती है, तो इस कॉर्ड के लिए हमने ये जो स्लीव लगवाया है, ये 10 नंबर का स्लीव होता है बड़ा, और छोटी 3 नंबर 4 नंबर जो हमारे हाथ में है, 4 नंबर स्लीव होती है। इसके पहले भी दोस्तों हमने एक वीडियो बनाई है, ये हमने पूरी रिमूव करवाया है, हर कनेक्शन आपको समझ में आए, इसके लिए हमने बहुत आसानी से आपको सब बातें समझा समझा के बताई है, देख लीजिए। तो दोस्तों आप अपने घर पे भी रिपेयर कर सकते हैं। हमने एक वीडियो इसका और बनवाया है, आप देख सकते हैं हमारे गैजेट एंड रिपेयर चैनल में, बहुत से वीडियो अपलोड किए हैं। देख लो दोस्तों, अभी हम स्लीव लगवा रहे हैं। ये जो पहला सिरा है दोस्तों, हमने जो ज्वाइंट किया है ये कॉमन वाला होता है, बीच वाला सिरा बीच स्विच के बीच वाले हिस्से में जोड़ना है। तो इस तरह इसका कनेक्शन करना होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ताकि हमारी नई वीडियो आने वाली आपको तुरंत मिल सके। देख लीजिए दोस्तों, ये हमने ऑयल की वायर भी कनेक्ट कर दी है।
अर्थ है, ये अर्थ वाला सिरा है, ब्लू वाला। दोस्तों इस अर्थ वाले सिरे को बॉडी से या कनेक्ट कर देना, देख लीजिए। जैसे हमने स्विच पे कनेक्ट करो, स्विच पे कनेक्ट किया हमने उसे। इस हॉट प्लेट के लिए दोस्तों कभी भी अर्थ करना जरूरी होता है। अभी हमने स्लीव के ऊपर और टेप लगवाई ताकि हीट से अंदर की वायर को गर्मी ना लगे। ये ट्रिपल कोटिंग हो गई दोस्तों। दोस्तों अभी वीडियो पूरा होना और पूरा होने में आ गया दोस्तों। हमने इसे पैक करवा लिया। तो दोस्तों अभी ये ऑन हो गई है। तो दोस्तों हमारा वीडियो पूरा हो गया है।